हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और आज हम चिकन चंगेजी बनाएंगे। बिल्कुल दिल्ली वाले टेस्ट के साथ बनाएंगे। देखिए क्या शानदार कलर है, हल्की दरदरी सी ग्रेवी है और ये बनता भी बड़े अनोखे स्टाइल से है। एक तरफ हम चिकन को ग्रिल करेंगे और दूसरी तरफ हम ग्रेवी बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चिकन को ग्रिल करने से पहले इसे करना है हमें मैरिनेट। तो ये आधा किलो चिकन है, इसे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 5 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर नमक और 1 फुल चम्मच भर के हम इसमें चाट मसाला पाउडर डालेंगे। साथ में हम डालेंगे 5 चम्मच गरम मसाला पाउडर और ये जो गाढ़ा क्रीमी दही है हल्की सी खटास के साथ है, ये मैंने घर में जमाया हुआ है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे और मैरिनेशन को अगर आप रात भर के लिए रख दोगे तो ये बहुत कमाल का टेस्टी बनेगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो बस 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख ले, और अगर इतना भी आपके पास टाइम नहीं है तो बस ये ऐड कर ले। ये है रॉ पपैया, बस आधा चम्मच है, ये मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखा हुआ है। तो इसे मैरिनेशन के साथ हम लगा लेंगे। अगर आपके पास रॉ पपैया नहीं है तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, बस प्याज और टमाटर कट करने तक ही चिकन सॉफ्ट और ज्यूसी हो जाएगा। खैर ये तो मेरा अपना ट्विस्ट है मैरिनेशन कम टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए। वैसे तो बस दही लगा लो तब भी काफ़ी है। अब इस मैरिनेटेड चिकन को हम ढककर बाजू में रख देंगे और प्याज और टमाटर को कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें लेना है 3 मीडियम साइज की प्याज, 3 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर को आप पीस सकते हैं, कस सकते हैं ताकि छिलका ना आए, लेकिन जैसा कि आपको पता है जहाँ पर भी टमाटर घुलाना या पकाने का काम है मैं तो टोमेटो प्योरे यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे कलर भी उम्दा आता है और कुकिंग टाइम भी काफ़ी बच जाता है। साथ ही साथ हमें प्याज को बहुत महीन काट लेना है ताकि ग्रेवी हल्की दरदरी रहे। अब एक पैन में हमें लेने हैं थोड़े खड़े मसाले, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 सूखी लाल मिर्चें, 7-8 काली मिर्चें, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता और 2 से 3 लौंग। बस इन्हें थोड़ा सा भुनेंगे, साथ में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल और फिर हम हमारी महीन कटी हुई प्याज डालेंगे और प्याज को बिल्कुल गहरा ब्राउन होने तक हमें तलना है, तभी ग्रेवी में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक हमारा चिकन भी ग्रिल हो जाएगा। यहाँ पर चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है तो एक पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, इसे अच्छे से फैलाएंगे और इस पर हमारे मैरिनेटेड चिकन के पीसेस फैला कर रखेंगे। अब आप चिकन के पीसेस पे गौर करिए, तकरीबन 1 साइज़ के पीसेस है, बिल्कुल कुछ छोटे छोटे, कुछ बड़े ऐसा नहीं है। अगर साइज़ अच्छा रहेगा तो ये ग्रिल भी बहुत बढ़िया होंगे। बस 1 मिनट के लिए हम गैस की फ्लेम बड़ी रखेंगे और उसके बाद धीमी कर देंगे और इसे ढक देंगे। एक साइड से ये अच्छे से ग्रिल हो जाए तो बस पलट देंगे और दोनों साइड से इसे ग्रिल कर लेंगे। यहाँ देखिए चिकन अच्छे से ग्रिल भी हो चुका है, गल भी चुका है और प्याज वो भी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। तो इसमें अब हम डालेंगे टोमेटो प्योरे, या फिर आप पिसा हुआ टमाटर डालें या फिर कसा हुआ, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो टोमेटो प्योरे डालती हूँ। इससे बहुत बढ़िया कलर भी आता है और टेक्सचर भी आता है, साथ ही साथ पकवान का टाइम बच जाता है वो अलग। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बस 1 मिनट में इससे तेल अलग हो जाएगा, तब तक हम हमारे सूखे मसाले रेडी कर लेंगे। सूखे मसालों में हमें लेना है 5 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। साथ में हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन, जो कि हमने ग्रिल करते टाइम चिकन को नहीं लगाया था, वो अब हम ग्रेवी में थिकनेस लाने के लिए यूज़ करेंगे और फ्लेवर भी बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं, इसमें अब हम हमारे सूखे मसाले डालेंगे और उन्हें भी एक बार अच्छे से भून लेंगे। चिकन चंगेजी जब घी में बनता है तो बड़ा गजब का मज़ा आता है, तो 1 बड़ा चम्मच भर के हम इसमें घी डालेंगे और सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही मसाले से तेल अलग होना शुरू हो जाए इसमें हम हमारा 1/4 कटोरी फेटा हुआ दही डालेंगे और फटाफट इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, दही को भूनेंगे ताकि वो फटे नहीं। बस बचा हुआ जो तेल हमने चिकन ग्रिल करने के बाद बचाया हुआ है पैन में वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे और ग्रेवी को अच्छे से भुनेंगे जब तक कि इसका तेल पूरी तरह अलग ना हो जाए। जैसे ही तेल अलग हो जाए इसमें हम हमारे ग्रिल किए हुए चिकन के पीसेस डालेंगे, गर्म पानी डालेंगे 1.5 कप भर के और चिकन को ग्रेवी के साथ पकने देंगे। अब आप कहोगे जब चिकन को ग्रेवी के साथ पकाना ही था तो डायरेक्टली डाल देते, अलग से ग्रिल क्यों किया? तो यही तो खास बात है चिकन चंगेजी की, के चिकन को अलग से ग्रिल किया जाता है और फिर मसालों के साथ इसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है।
क्योंकि ग्रिल करते टाइम चिकन जब हम पकाते हैं तो वो सिर्फ स्टीम पे सूखे में पकता है, और किसी करी में जब हम चिकन को गलाते हैं तो वो गीले में पकाते हैं, और दोनों चिकन के टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। चिकन चंगेजी के इस चिकन का टेस्ट आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, मैं इसका इंतज़ार ज़रूर करूँगी। अब इसे ढक देंगे जब तक कि इससे सारा तेल अलग ना हो जाए। इसके बाद हमें इसमें डालना है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच कसूरी मेथी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच ही कसूरी मेथी डाली है, और वो भी बस आपको दिखाने के लिए डाली है, वरना जब भी ये छोटी मेथी जो कि मैंने घर में उगाई है बहुत आसानी से उग जाती है, ये नहीं होती उस टाइम मैं कसूरी मेथी यूज़ करती हूँ। बस इसे अच्छे से चॉप करके डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे ताकि इसका कच्चा फ्लेवर चला जाए। बहुत ही फ्रेश फ्लेवर आता है इस छोटी मेथी के साथ। और लास्ट में इस चिकन चंगेजी में हमें ज़रूर डालना है वो है 1 चुटकी नटमेग पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक देंगे और 1 मिनट के बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा चिकन चंगेजी खाने के लिए तैयार है। साथ में आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये लाल बटन दबाकर आपको करना है इसे सब्सक्राइब, साथ में ये बेल यानी घंटी दबानी है ताकि मैं जब भी कोई अपलोड करूँ आपके फ़ोन की घंटी खुद ही बज जाए। सब्सक्राइब, लाइक, डिसलाइक सब फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, तो लगे हाथ आप इसे लाइक कर दें, और लाइक और डिसलाइक के साथ आप कमेंट भी ज़रूर करें ताकि कमेंट के जरिए हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं।